हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल हलवा। उससे पहले आज हम कुछ बात करते हैं जो कि है रक्षाबंधन के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रक्षाबंधन आ रहा है और हम अभी बाहर नहीं जा सकते क्योंकि कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो चुका है। कोई बात नहीं, मैं आपको जल्दी से घर पर ही हमारा मूँग दाल हलवा सिखा देती हूँ। सो आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल का हलवा। उसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर 2 कटोरी दाल भिगोकर रात को रख दी थी। आप उसको 4 से 5 घंटे पे भिगा कर रख सकते हैं मिनिमम, बट मैक्सिमम इसको पूरी रात भिगाना ही चाहिए। इलायची पाउडर, देसी घी, ड्राई फ्रूट्स, 1 कटोरी भरकर चीनी, आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं चीनी, 1 ग्लास पानी, 1 ग्लास मिल्क एंड अभी हम इसको ग्राइंड करेंगे। सो अभी हमको पानी निकाल लेना है और इसमें डाल दीजिए। सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसको मूंग की दाल को अच्छे से पीस लिया है, आप भी इस कंसिस्टेंसी तक ही पीसिएगा, ये देखिए। और जैसे ये हो जाएगा आप इसको निकाल लीजिए। सो अभी हम इसमें 1 कटोरी देसी घी डाल देंगे। अब आपको इसको अच्छे से गर्म होने देना है। सो अब मैं इसमें हमारा जो मूंग दाल हमने लिया है तेल गर्म होने के बाद इसमें डाल देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमने इसमें ये डाल दिया है। अब आपको इसको अच्छे से स्लो फ्लेम पर आपको इसको पकाना है कम से कम 25 से 30 मिनट के लिए। अब आपको ऐसा लग रहा होगा हमने कितना देसी घी डाल लिया है, तो आप जब 25 मिनट के बाद देखेंगे ये दाल पूरा देसी घी पी जाएगी। सो अब आपको इसको अच्छे से स्टर करते रहना है क्योंकि ये नीचे लगेगा ही लगेगा, इसलिए आपको इसको अच्छे से स्टर करना है और बहुत देर तक आपको इसको चलाते ही रहना है, इसलिए आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा हलवा हो चुका है, तो अब हम एक और कढ़ाई रख दे। सो अब हमने एक और पॉट रख लिया है। अब हम इसमें 1 ग्लास पानी डाल देंगे और इसमें 1 बॉयल आने देंगे। सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा पानी अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें 1 ग्लास भरकर, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, मिल्क ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 1 कटोरी चीनी डाल रहे हैं, आप आपके टेस्ट के अनुसार चीनी ऐड कर सकते हैं। अब आपको इसको तीनों को अच्छे से बहुत देर तक आपको इसको कुक करना है, जब तक चीनी और दूध और पानी सब एक साथ मेल्ट नहीं हो जाते। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें बॉईल आ चुका है, दूध चीनी और पानी एक साथ मिक्स हो चुके हैं और आप देख रहे हैं कि चीनी भी मेल्ट हो चुकी है, तो अब इसको आप बंद कर सकते हैं। सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा हलवा हमने बहुत अच्छे से हो चुका था तो इसको बंद कर दिया था। अब हम इस ये जो हमने पानी और दूध का मिक्सचर बनाया है हम ये धीरे धीरे इसमें डालते जाएंगे। सो अब हम इसमें धीरे धीरे आप साथ साथ ट्रांसफ़र करते जाइए आपका मिक्सचर, और आपको इसको साथ साथ अच्छे से मिक्स करते जाना है, इसमें लम्प्स नहीं रहने चाहिए। सो अब हम इसमें 1/2 चम्मच कार्डमम पाउडर, इलायची पाउडर डाल देंगे और इसको वापस से मिक्स करेंगे और 1 बॉयल आने तक इसको स्टर करते रहेंगे। अब आपको इस हलवे को अच्छे से स्टर करते रहना है कम से कम 15 से 20 मिनट अभी इसमें और लगेंगे, और ये मीडियम आँच पे मीडियम फ्लेम पे आपको इसको स्टर करना है और पकाना है। सो अब ये हलवा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है और ये इंस्टेंट भी हलवा नहीं था। अब हम इसको हमारे सर्विंग प्लेट में डाल लेते हैं। सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये रेडी हो चुका है, तो क्या मूंग दाल का हलवा ड्राई फ्रूट्स के बिना अच्छा लगता है? सो आप इसको गार्निश कीजिए आपके मनपसंद ड्राई फ्रूट्स के साथ। मैं यहाँ पर बादाम और काजू ले रही हूँ, मुझे पिस्ता पसंद नहीं है, इसलिए आपको अगर पसंद है तो आप उसको भर कर डालिए। सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा हलवा रेडी हो चुका है, तो प्लीज़ आप भी इसको बनाइए और इस रक्षाबंधन पे आपके भाई का मुंह इसी से मीठा कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस रेसिपी को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।
थैंक यू एंड धन्यवाद।